वर्तमान की रोशनी से उज्जवल भविष्य का दरबार सज चुका है, बस अब दीप प्रज्वलन होने बाकी है जिसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी अमित सिंह रामकथा पार्क में मौजूद हैं, जो रामायण के हर किरदार को इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या कुछ तस्वीर बनती दिखाई देती है रामकथा पार्क से अब? जी बिल्कुल सबीना, जो तस्वीर सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे, पूरा देश इंतजार कर रहा था रामकथा पार्क का, वो तस्वीरें सबके सामने हैं, दर्शकों के सामने हैं। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि भगवान राम, सीता, भाई लक्ष्मण, हनुमान की यहाँ पर संत समाज अयोध्या का वो पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर स्टेज पर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देख सकती हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहीं पर मौजूद हैं और तमाम डिग्निटरीज, केन्या के राजदूत यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा और भी इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि दीपोत्सव 2017 में शुरुआत की गई थी, इसकी योगी सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी इस दीपोत्सव की, दिव्य दीपावत्सव की, और इस आज 5 साल पूरे हो रहे हैं इसके, और ऐसे में इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। रामायण किरदार इस वक्त स्टेज, भाई लक्ष्मण, भगवान राम, माँ सीता, भरत, गुरु वशिष्ठ, हनुमान जी और सबका पूजा अर्चना यहाँ पर किया जा रहा है एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुँचे, उसके बाद संत समाज यहाँ पर पहुँचा, जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पहुँचे हुए थे उन्होंने पूजा अर्चना की। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अयोध्या का संत समाज किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, तो यानी हर कोई जिस तस्वीर की इंतजार कर रहा था सुबह से, वह तस्वीर यहाँ से रामकथा पार्क से राज्य अभिषेक की वो देखी गई है। अब जब सूरज ढलेगा तो अयोध्या से ऐसी तस्वीरें जाएंगी जिससे देश और पूरा दुनिया जगमगा उठाएगा। ब्रेक के लिए